तो विद्यार्थियों, जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, देखिएगा सुबह के 9 बज चुके हैं और आपके पास ये वीडियो हो सकता है 10 बजे के बाद आए, और एग्ज़ाम हॉल में आप 2 बजे बैठ चुके होंगे, मतलब कि आप जो है 1 बजे निकल चुके होंगे। तो देखिए, इसी बीच में आपके पास 1 से 1.5 घंटे का समय है। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर मैं आपको पूरा दे रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ भी दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एकदम मॉडल पेपर है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिल सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, ये रियल पेपर नहीं है, ठीक है। तो आप जो है इसको ध्यान से देखें, एग्जाम देने जाने के पहले जो है पूरा क्वेश्चन पेपर हल कर लें, ठीक है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको देखने के लिए मिलने वाले। तो यहाँ से देखिएगा आप, कुछ इस प्रकार से जो है रिक्त स्थान रहेंगे, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद देखिएगा, सॉरी, जो आपके सही विकल्प देख लिए होंगे आपने, इसके बाद रिक्त स्थान आप देख लें, ठीक है। रिक्त स्थान के उत्तर दिए गए हैं, इसके बाद देखिएगा सही जोड़ियों के उत्तर, और जो है यहाँ पे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, और सत्य सत्य के उत्तर आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है, सॉल्यूशन की भी पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपने पूरा क्वेश्चन पेपर देख लिया होगा। आप जल्दी से अपना मोबाइल उठा लीजिए, जी हाँ। मोबाइल उठाने के बाद आपको करना क्या है, गूगल पर लिखना है स्टडी नोट्स पीजे, ठीक है। आप जैसे ही स्टडी नोट्स पीजे लिखेंगे तो ये थोड़ा सा सर्च चलेगा, ठीक है। स्टडी नोट्स पीजे, ध्यान से स्पेलिंग देखेंगे आप, मैं आपको एक बार फिर से जो है स्पेलिंग लिख के दिखा देता हूँ ताकि यहाँ पे कोई भी मिस्टेक ना हो। यहाँ पे देखिएगा स्टडी नोट्स पीजे, STUDYNOTES पीजे, ठीक है। जैसे ही आप स्टडी नोट्स पीजे लिखेंगे, studynotespj.com देखिएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद देखिएगा एमपी बोर्ड दिखेगा, ठीक है। आपको नीचे जैसे ही आएंगे एमपी बोर्ड दिखेगा, एमपी बोर्ड पर देखिएगा आपको जो है फर्स्ट नंबर पर दिख जाएगा क्लास 11th इकोनॉमिक्स सेट सी पेपर। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से देखिए आप अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने, और यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन भी डला हुआ है, नीचे भी पीडीएफ डली हुई है, वहाँ से भी जो है आप अर्थशास्त्र का सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं।